2020 में जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 2020 में 22 मार्च को 8 बजे रात को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया और उनके लॉकडाउन लगाने के बाद से हर राज्य सरकार ने उनके लॉकडाउन का समर्थन किया, जैसा वो किए वैसा सहयोग दिया। लेकिन चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, ये लोग कागज में, हवा में, टीवी में समर्थन किए, उसका सहयोग दिए, धरातल में काम में बहुत बड़ी धांधली हुई। 22 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद करीब करीब आधे अप्रैल 15 अप्रैल जाते जाते 50% लोग बंबई से बाहर चले गए, यूपी बिहार बंगाल जहाँ के थे कुछ चले गए, मई में तो 80% चले गए। लेकिन मई में प्रधानमंत्री द्वारा ये भी घोषणा किया गया कि दशहरे तक 5 किलो राशन 1 यूनिट पर फ्री चावल दिया जाएगा। उस हिसाब से चावल भी आया और जो महीने का राशन कार्ड का आता था वो भी आया। उसके बाद से एक एक्स्ट्रा और नियम बनाया गया कि सफ़ेद कार्ड वालों को भी चावल आएगा, 9.5 रुपया किलो मिलेगा और 6.5 रुपया किलो गेहूँ मिलेगा, ये सब आया। लेकिन प्रश्न एक खड़ा हो गई कि जिस समय आया जिस समय दिया गया तो 80% आदमी यहाँ मुंबई में मौजूद नहीं थे, जो गांव चले गए थे, यूपी बिहार बंगाल चले गए थे, और ये भी नहीं कि चोरी से गए थे, रेल से टिकट कटाकर बजाते प्रूफ के साथ गए थे, और सारे राशन के दुकानदार सब राशन उठाए और वो कहाँ बांटे, किसको दिए, इस चीज़ की खुलासा हम चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। और दूसरी चीज कि माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने अपने पार्टी से लिखा भी, कहा भी कि 6 महीना बिजली का बिल, झोपड़पट्टी का माफ़ किया जाए और स्कूल के बच्चों का फीस फ्री माफ़ किया जाए, पानी का बिल आधा माफ़ किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते थे कि सरकार के पास पैसा नहीं है। मैं ये चीज़ मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूँ कि झोपड़पट्टी का लाइट का बिल माफ़ करने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है, 2000 करोड़ का क्वारंटाइन करके लेते हैं भाड़े पर, उसके लिए कहाँ से पैसा आती है? इन लोगों की जो तलब तनख्वाह सुविधा है उसके लिए पैसा कहाँ से आती है? हम इस चीज़ को जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो मुख्यमंत्री जी डंका पीटते थे कि मेरी सरकार आएगी तो हम बहुत अच्छा व्यवस्था करेंगे, इनकी सरकार की व्यवस्था कहाँ गई? अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद सदस्य चांदुरकर जी ने मुद्दा उठाया कि शिवसेना पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक नगर सेवक को 45 करोड़ रुपया दिए, 4 महीना चुनाव आ गया, वो पैसा वो कहाँ खर्च किए, इसके ऊपर जांच कराई जाए कि बात सही है तो कार्रवाई हो, अगर नहीं सही हो तो चंद्रकर जी पर भी कार्रवाई हो कि झूठ के बोले। इस चीज की आम जनता में दुखद है। आज हमारे उपाध्यक्ष ऑल इंडिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल जी पूरे देश में बोलते हैं कि मोदी जी ने रेलवे को, हवाई जहाज को, सबको प्राइवेट किया। लेकिन मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये विमान जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और उद्धव जी की शिवसेना पार्टी सरकार को समर्थन दे रही थी, 2016 में बम्बई की जो BST का मुद्दा आया प्राइवेट करने के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया, जो कांग्रेस के सदस्य BST कमेटी में है उसका विरोध किए। और आज जब कांग्रेस की सरकार इनमें समर्थन में है तो इसको प्राइवेट उद्धव ठाकरे जी द्वारा किया गया तो क्या ये राहुल जी के आदेश से हुआ कि सोनिया जी के आदेश से हुआ कि बाला साहब थोड़ा उस समय अध्यक्ष थे उनके आदेश से हुआ कि HK पाटिल महाराष्ट्र के इंचार्ज थे उनके आदेश से हुआ कि नाना पटेल साहब के इंचार्ज से हुआ? ये इतना बड़ा हादसे को, इतना बड़ा घोटाले को कांग्रेस समर्थन किसके आदेश पर किया, इसकी जांच करवाई जाए।